स्टूडेंट्स, नवभारती परिवार में एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। रनिंग चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप लेसन नंबर 1, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों के सिलेबस में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स, बंद साझेदारी खातों में समायोजन। इसका मतलब क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। पार्टनरशिप फर्म ने जर्नल बना ली, जर्नल के बाद में लेजर तैयार कर ली, लेजर के बाद में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो गया, ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद में फाइनल अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और बैलेंस शीट तक सारा कार्य कर लिया गया और अकाउंट्स को क्लोज कर दिया गया एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को या 31 मार्च को। 31 मार्च 2020 को खाते बंद कर दिए, 2019-20 का जो वर्ष था, जो ईयर था वो खत्म हो गया, 19-20 खत्म हो गया, 21-22 चालू हो गया। 21-22 के अंदर अकाउंटेंट को या बिजनेस के ओनर को मालूम चला कि पार्टनरशिप डीड के अनुसार एक्स और वाई जो दो पार्टनर थे इनका रेशो क्या था, 3:2। प्रॉफिट किस रेशो में बटना चाहिए था, 3:2 के अंदर बटना चाहिए था, और गलती से डिवाइड के किस रेशो में कर दिया, इक्वल बराबर बराबर प्रॉफिट को बांट दिया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये गलत रेशो में हो गया। अब इसका सुधार कैसे किया जाए, एज यू नो क्रॉसेस एंड ओवरराइटिंग्स आर नॉट अलाउड इन द अकाउंट्स। क्रॉस अलाउ नहीं है, ओवरराइटिंग अलाउ नहीं है। 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अशुद्धियों का सुधार। इसका वही मतलब है, खाते बंद हो चुके हैं और बंद खातों के अंदर सुधार करने के लिए एडजस्टमेंट कैसे किए जाएं, सुधार कैसे किया जाए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स दो मेथड हैं। पहला मेथड है पास्ट एडजस्टमेंट्स बाय ए सिंगल जर्नल एंट्री। जो जो भी अशुद्धियां हुई है, जो जो भी एरर्स हुई है, उनको सुधारने के लिए एक जर्नल एंट्री पास कर दी जाए। सिर्फ एक जर्नल एंट्री से सारा सुधार हो जाए और पास्ट एडजस्टमेंट्स बाय द एनालिटिकल टेबल। कई बुक्स के अंदर एडजस्टमेंट्स बाय एनालिटिकल टेबल दिया हुआ है और कई बुक्स के अंदर एडजस्टमेंट्स बाय ए सिंगल जर्नल एंट्री दिया हुआ है। दूसरा मेथड जो है अशुद्धियों का सुधार करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है, जिसको हिंदी के अंदर लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं। सुधार करने के लिए न तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, न प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। कौन से खाते से सुधार करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। यदि सिंगल जर्नल एंट्री सुधार के लिए मांगी है तो फर्स्ट मेथड, और यदि जर्नल एंट्रीज बहुवचन, एक जर्नल एंट्री की जगह यदि सुधार करने के लिए कई जर्नल एंट्री मांगी है तो अपन कौन सा मेथड एडॉप्ट करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट्स बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इन दोनों मेथड्स को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल की हेल्प से अपन इन दोनों ही मेथड्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बंद साझेदारी खातों में एडजस्टमेंट करने के लिए, समायोजन करने के लिए दो मेथड। एग्जांपल क्या है, ए बी एंड सी थ्री पार्टनर्स इन द इक्वल रेशियो बराबर के साझेदार हैं। 1 जनवरी 2016 को ए की कैपिटल 50,000 रुपये, बी की कैपिटल 40,000 रुपये और सी की कैपिटल कितनी थी, 30,000 रुपये की कैपिटल थी। नए साल के अंदर खातों को बंद करने के बाद में पता चला कि साझेदारों को इनकी पूंजी के ऊपर IOC 10% वार्षिक की दर से देना भूल गए, ये गलती हुई।
दूसरी अशुद्धि, दूसरी गलती क्या हुई? एक को 30,000 पर एनम सैलरी देनी थी, ये सैलरी देना भूल गए। तीसरी गलती क्या हुई? सी को कमीशन देना था 6,000 रुपये का, ये कमीशन देना भूल गए। कब भूल गए? लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले ये तीन गलतियां हो गई। इनको सुधार करने के लिए पहले मेथड के अंदर तो सिंगल जनरल एंट्री और सेकंड मेथड के अंदर जनरल एंट्रीज इन प्लूरल, एक की जगह कई जनरल एंट्री। मैं आप लोगों को पहले दूसरा मेथड बताऊंगा और फिर इसकी हेल्प से पहला मेथड बाद में बताऊंगा। पास्ट एडजस्टमेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31st दिसंबर और 31st मार्च कैलेंडर ईयर और द फाइनेंशियल ईयर, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू साइड्स आर देयर इन दिस अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड स्टैंड्स फॉर डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड स्टैंड्स फॉर क्रेडिट साइड। सुधार करने के कारण यदि फर्म को लॉस होता है तो डेबिट साइड में आएगा, और यदि सुधार करने के कारण फर्म को यदि प्रॉफिट होता है तो किस साइड के अंदर लिखेंगे? क्रेडिट साइड के अंदर लिखेंगे एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। पहली गलती हुई पूंजी पर ब्याज देना भूल गए, तो क्या करना पड़ेगा? फर्म को पूंजी पर ब्याज देना पड़ेगा। तो पहला जब सुधार मैं करूंगा तो पूंजी पर फर्म जब ब्याज देगी तो फर्म को लॉस होगा एंड ऑल द लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? टू कैपिटल अकाउंट, मैं यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह टू आईओसी नहीं लिखूंगा। स्टूडेंट्स इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर इधर या तो टू कैपिटल अकाउंट या टू करंट अकाउंट आएगा, और इस साइड में हमेशा बाय कैपिटल अकाउंट्स या बाय करंट अकाउंट्स आएगा। सुधार मैं किस लिए कर रहा हूं? आईओसी के लिए। नेम ऑफ एडजस्टमेंट अपन इसके नीचे मेंशन कर देंगे, एडजस्टमेंट फॉर द आईओसी। इनको पूंजी पर ब्याज देना भूल गए। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपन क्या लिखते थे? टू आईओसी, इसके अंदर नहीं लिखेंगे। पूंजी पर ब्याज देंगे ए को, बी को और सी को। 10% की दर से पूंजी पर ब्याज देना भूल गए। ए की 50,000 रुपए की पूंजी के ऊपर कितना ब्याज देना पड़ेगा? 5,000 रुपए, 40,000 का 10%, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो इसका कितना हुआ? 4,000 रुपए। और इसी तरह से 30,000 का 10% कितना होगा? 3,000, 3,000 रुपए। फर्म के ऊपर जो लोड पड़ेगा सुधार करने के कारण 5 और 4 9 3 12,000 रुपए पूंजी पर ब्याज दे दिया गया, और ये इस अशुद्धि का सुधार हो गया, इस गलती का सुधार हो गया। तो पहली जर्नल एंट्री क्या बनी? एरो विल कम डाउन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल 5,000, टू बीज कैपिटल 4,000 एंड टू सीज कैपिटल 3,000, एंट्री नंबर फर्स्ट। ये एक सुधार हो गया। अब दूसरा सुधार क्या है? कि ए को सैलरी देनी थी 30,000 सालाना वार्षिक, इसको सैलरी देना भूल गए। तो मैंने अभी बताया था टू कैपिटल या बाई कैपिटल, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? टू, ए को सैलरी देना भूल गए तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट के अंदर नेम ऑफ एडजस्टमेंट,
ए की सैलरी के लिए किया है तो इसके नीचे एज सैलरी या सैलरी अपन लिख देंगे और अमाउंट वाले कॉलम के अंदर कितना लिख देंगे 30,000। दूसरा सुधार किया तो दूसरे सुधार करने की वजह से फर्म को लॉस कितने रुपए का हो गया, 30,000 रुपए का लॉस हो गया। टोटल लॉस कितना हो गया अब तक, 42,000 रुपए का लॉस हो गया। तीसरी गलती क्या हुई कि सी को कमीशन देना भूल गए। सुधार कब कब किया जाता है, या तो कमीशन या पूंजी पर ब्याज या सैलरी देना भूल जाएं, या कम दे दिया जाए, या गलती से ज़्यादा दे दिया जाए। गलती कोई भी तरह की है उसका सुधार पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर करेंगे। तीसरी अशुद्धि का सुधार करेंगे, सी को कमीशन देना भूल गए तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, और यदि कैपिटल फिक्स है तो टू सीज करंट अकाउंट लिखा जाएगा। नेम ऑफ एडजस्टमेंट, सी को कमीशन देना भूल गए। कितने रुपए का कमीशन देना भूल गए, 6,000 रुपये का कमीशन देना भूल गए। जनरल एंट्री, सेकंड जनरल एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द सैलरी टू ए, कितना 30,000 रुपये। ये दो जनरल एंट्री यहाँ हो गई। थर्ड जनरल एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ सीज कमीशन, फॉर द सुधार ऑफ सीज कमीशन। ये तीन सुधार फर्म ने कर दिए और तीन सुधार करने की वजह से फर्म को लॉस कितने रुपए का हो गया, 30 और 10 40 और 2 42 और 6 48,000 रुपए का ये लॉस हो गया। अब क्या करेंगे, इस लॉस को बट नेचुरल ए बी और सी के अंदर डिवाइड किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर भी क्या लिखूँगा, बाय कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, बाय कैपिटल और टू कैपिटल अकाउंट के अलावा इसमें नहीं आएगा। इसके ब्रैकेट में मैं क्या लिखूँगा, लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट, लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। ये लॉस किस कारण से हुआ, सुधार करने के कारण हुआ। तो टोटल लॉस कितने रुपए का हो गया, टोटल लॉस हो गया 48,000 का। ये 48,000 का लॉस टोटल नीचे बराबर होगा 48,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करूंगा। तो इस लॉस को डिवाइड करूंगा ए बी एंड सी। व्हाट वाज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रेशो इक्वल था। स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या था, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया बिना आईओसी के, विदाउट ए की सैलरी के और विदाउट ए के कमीशन के। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कोई मिस्टेक नहीं हुई है। मान लो यदि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत हो जाता तो पहला एडजस्टमेंट अपन किसके लिए करते, प्रॉफिट्स के लिए अपन करते। देर आर सो मैनी क्वेश्चंस इन आवर बुक, वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चंस लेटर ऑन, इट्स द प्राइमरी स्टेज, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। 48,000 रुपये का लॉस हो गया, इक्वल रेशियो के अंदर इसको बांट देंगे, 3 1 जा 3 6 जा, एक पार्टनर के कितने रुपए का लॉस आएगा, 16,000 रुपये का, 16,000 लॉस पर पार्टनर, 16 3 48, और यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम के अंदर 48,000 आ जाएगा। तो एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 3 ये थी, एरो विल गो अप, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यदि जनरल एंट्रीज मांगी है तो इस तरह से अपन पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को तैयार कर लेंगे। और यदि क्वेश्चन के अंदर एक सिंगल जनरल एंट्री यदि रिक्वायरमेंट है तो कैसे करेंगे, ये अभी आप बोर्ड के ऊपर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को अपन फर्स्ट मेथड से करेंगे, व्हेन ए सिंगल जनरल एंट्री इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। इसके लिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे
एनालिटिकल टेबल शोविंग द एडजस्टमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड एज पर क्वेश्चन 31 दिसंबर 2016। फर्स्ट कॉलम स्टैंड फॉर सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम नेम ऑफ एडजस्टमेंट, देर आर थ्री पार्टनर्स कॉलम फॉर ए कॉलम फॉर बी एंड कॉलम फॉर सी, ए का खाता बी का खाता और सी का खाता, ए के खाते को डेबिट और क्रेडिट दो भागों में डिवाइड कर दिया, बी के खाते को भी डेबिट और क्रेडिट के अंदर डिवाइड कर दिया और सी के खाते को भी डेबिट और क्रेडिट दो पार्ट्स के अंदर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब एग्जाम्पल के अंदर पहली गलती क्या हुई थी, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना भूल गए थे, ए को 5,000 रुपए, बी को 4,000 रुपए और सी को 3,000 रुपए। तो फर्म के लिए खर्चा है तो पार्टनर के लिए क्या होगी, इनकम होगी। तो अपन क्या करेंगे, अपोजिट साइड के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, बोर्ड के ऊपर देखेंगे, सीरियल नंबर के अंदर एडजस्टमेंट नंबर वन, पहला एडजस्टमेंट किसके लिए है, आईओसी के लिए, पूंजी पर ब्याज देना भूल गए। ए को इनकम होगी कितने रुपए की, 5,000 रुपए की इनकम होगी, तो ए के क्रेडिट साइड के अंदर डाल देंगे 2 का 2 क्रेडिट साइड स्टार्ट फ्रॉम द 2। बी के क्रेडिट के अंदर कितने डालूंगा, बी को 4,000 रुपए की इनकम होगी जब फर्म पूंजी पर ब्याज देगी तो, और सी को कितने रुपए की इनकम हो जाएगी, 30,000 रुपए की इनकम होगी, तो फर्म इसके क्रेडिट के अंदर 3,000 रुपए डाल देगी। स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा, फर्म के लिए आईओसी खर्चा है, पार्टनर के लिए इनकम है। इसी तरह से ए को सैलरी देना भूल गए, ए ने सैलरी दी, फर्म ने यदि सैलरी दी तो फर्म के लिए खर्चा है और ए की सैलरी ए के लिए क्या है, इनकम है, इसलिए ए के क्रेडिट साइड के अंदर ए को सैलरी देना भूल गए तो दूसरा एडजस्टमेंट किसका, 30,000 रुपए इसके क्रेडिट के अंदर डाल देंगे, एडजस्टमेंट नंबर 2 इज सैलरी। यहां पर क्या लिखेंगे, इज सैलरी, और बाकी बी और सी के अंदर दोनों कॉलम के अंदर डैश लगा देंगे। स्टूडेंट्स ये टेबल तैयार करते वक्त स्टूडेंट से जो गलती होती है, डेबिट की जगह अमाउंट क्रेडिट में लिख देते हैं और क्रेडिट की जगह डेबिट में लिख देते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप पहले अमाउंट डालो, जैसे मैंने ये 30,000 रुपए ए के क्रेडिट के अंदर पहले डाला और बाद में इधर लिख दिया। इसी तरह से तीसरी अशुद्धि, तीसरी गलती क्या हुई थी, सी को कमीशन देना भूल गए 6,000 रुपए, तो सबसे पहले मैं अमाउंट किसके कॉलम में डालूंगा, सी के कॉलम में, डेबिट में या क्रेडिट में, बट नेचुरल इट इज द इनकम फॉर सी, तो सी के क्रेडिट के अंदर मैं ये 6,000 रुपए इसके जमा कर दूंगा, यानी कि फर्म जमा कर देगी और ए में, और बी के अंदर डैश आ जाएगा एडजस्टमेंट नंबर 3, इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, सीज कमीशन, सी को कमीशन दे दिया, ये सुधार हो गया। अब जब ये तीनों सुधार किए तो फर्म के अंदर लॉस हुआ, लॉस कितने रुपए का हुआ, 48,000, एंड लॉस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में है, तो बताओ इस टेबल के अंदर किस साइड में आएगा, डेबिट में। यू आर राइट, तो डेबिट के अंदर में यहां पर फोर्थ एडजस्टमेंट लिखूंगा, लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट, लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट, समायोजन करने के कारण हानि, लॉस ड्यू टू ये एडजस्टमेंट इस तरह से लिख देंगे। अब लॉस का पैसा पार्टनर के अकाउंट में से कटेगा तो डेबिट के अंदर डालेंगे, ए का कितना पैसा कटेगा, 16,000 रुपए इसके डेबिट में डाल देंगे, बी के डेबिट में भी 16,000 रुपए डाल देंगे, और सी के डेबिट में कॉलम का ध्यान रखना है, ये 16,000 रुपए सी के भी डेबिट में डाल देंगे। इतना काम करने के बाद में तीनों पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ये यहाँ पर टोटल लिखूँगा,
ए के डेबिट में टोटल कितना आया 16,000 रुपये और बी के ए के क्रेडिट का टोटल कितना है 35,000 रुपये ये डेबिट और क्रेडिट का इसका टोटल लगा दिया। इसी तरह से बी के डेबिट का टोटल कितना आया 16,000 रुपये और क्रेडिट का टोटल कितना आया 4,000 रुपये और सी का भी इसी तरह से टोटल लगाएंगे, डेबिट का टोटल 16,000 रुपये और 36 ये 36,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनके जो खाते हैं इनके जो अकाउंट्स है इसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के लिए ए के कॉलम में देखो क्रेडिट का टोटल 35,000 है जो ज़्यादा है डेबिट से, तो इसके अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट का बचेगा, यहाँ डैश लगा देंगे और ये क्रेडिट के अंदर बैलेंस कितना बचेगा 35,000 के अंदर से 16,000 को लेस करेंगे तो 19,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, 19 और 16 35। अब बी का भी इसी तरीके से देखेंगे, बी के डेबिट का टोटल 16,000 रुपये है और क्रेडिट का टोटल 4,000 रुपये है, तो डेबिट में से क्रेडिट को लेस करेंगे तो डेबिट का बैलेंस कितना बचेगा, इसके डेबिट में बचेगा 16 में से 4 गए तो ये 12,000 रुपये इसके डेबिट में डाल देंगे और यहाँ डैश लगा देंगे, इसका डेबिट बैलेंस 12,000 रुपये का बचा। अब इसी तरह से सी का टोटल डेबिट का 16,000 रुपये है और क्रेडिट का टोटल कितना है 36,000, ज़्यादा कौन सा है क्रेडिट का, तो जो ज़्यादा है उसको ऊपर लिख देंगे, 36,000 में से माइनस करूँगा डेबिट के कितने 16,000 लेस करूँगा, तो नीचे जब माइनस करूँगा तो बैलेंस किस कौन सा बचेगा क्रेडिट का, 36 में से 16 गए तो ये 20,000 रुपये इसका बैलेंस बचेगा, तो इसके क्रेडिट के अंदर अमाउंट कितना आएगा 20,000, 36 में से 16 गए तो क्रेडिट के अंदर 20,000 बचेगा। स्टूडेंट्स सी के अकाउंट के अंदर मैंने 3,000 रुपये को 30,000 रुपये मान लिया तो टोटल गलत हो गया था, दोबारा देखेंगे सी के डेबिट का टोटल कितना 16,000 रुपये और क्रेडिट का टोटल कितना 3 और 6 9,000, टोटल कौन सा ज़्यादा है, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल कितना है 16,000 रुपये, इसके अंदर से माइनस क्रेडिट के करूँगा, क्रेडिट का टोटल है 9,000, 16 में से 9 लेस करूँगा तो यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट का बैलेंस बचेगा 7,000। अब अपन को सुधार करने के लिए एक जर्नल एंट्री अपन को करनी है, तो कैसे करेंगे, इधर देखो बी का डेबिट बैलेंस 12,000 रुपये है तो बी के कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा, तो मैं जर्नल एंट्री करूंगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट हाउ मच 12,000, बी का खाता 12,000 रुपये से डेबिट हो गया और सी का अकाउंट कितने रुपये से डेबिट हो गया, सीज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो DR बाय रुपीज 7,000, सीज कैपिटल अकाउंट DR जिसका बैलेंस डेबिट का है उसको डेबिट कर दो और जिसका क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट बैलेंस किसका बचा ए का, तो टू एज कैपिटल अकाउंट कितना 19,000 रुपये। एज पर द रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम द अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, डेबिट का टोटल 19,000 रुपये और क्रेडिट का भी टोटल कितना 19,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अपन ने एक ही एग्जाम्पल से दोनों मेथड, यदि कई जर्नल एंट्री मांगी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और यदि सिंगल जर्नल एंट्री मांगी है तो इस तरह से एनालिटिकल टेबल अपन बना लेंगे और एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यदि कैपिटल यदि फिक्स होती
तो ये कैपिटल अकाउंट नहीं माने जाते, इनको करंट अकाउंट माना जाता। और आंसर के अंदर अपन यहां क्या लिखते हैं, 20 करंट अकाउंट डीआर 12,000, सीज करंट अकाउंट डीआर 7,000 एंड टू इज करंट अकाउंट 19,000। और इसी तरह से इसमें भी जो जनरल एंट्री पास करते हैं वो कैपिटल अकाउंट से नहीं करते, करंट अकाउंट से करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू इज करंट टू बीज करंट टू सीज करंट, इसी तरह से सारी जनरल एंट्री अपन पास करते हैं। आशा करता हूं कि आप सब स्टूडेंट्स को ये दोनों मेथड्स समझ में आ गए होंगे। कोई भी यदि डाउट है तो आप उससे क्लियर कर सकते हैं। योर डाउट्स एंड सजेशंस एंड योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। अपने वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक गारंटी ऑफ ए मिनिमम प्रॉफिट टू द पार्टनर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।